राजगांवपुर नगर पालिका में नगरपाल और कार्यनिर्वाही अधिकारी के खिलाफ जारी गतिरोध जिला प्रशासन और विधायक के दखल के बाद खत्म हो गया। राजगांवपुर विधायक डॉक्टर सीएस राजनिक्का ने पार्षदों से पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद सुंदरगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर पराग हर्षद गवली से उनके कार्यालय में मिलकर पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद जिलापाल के निर्देश पर सुंदरगढ़ से आए प्रोजेक्टर डायरेक्टर ललित सोरंगे अन्य एक अधिकारी के साथ राजगांवपुर नगरपालिका पहुंचे। उन्होंने नगरपालिका के सभागार में बैठक की। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ललित सोरंगे की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिलापाल से फोन पर चर्चा करने के बाद नाराज पार्षदों की प्रमुख मांगों को जिला प्रशासन की ओर से मान लिया गया। कार्यकारी अधिकारी को 4.90 करोड़ रुपए का टेंडर रद्द करने का निर्देश भी दिया गया। साथ ही साथ जिन 5 वार्डों को टेंडर नहीं दिया गया था, उन वार्ड के पार्षदों को अपने अपने वार्ड के लिए कार्य योजना को सोमवार तक नगरपालिका कार्यालय में जमा कराने के लिए कहा गया। वहीं 1.5 करोड़ की लागत से निकाले गए टेंडर को रद्द करने के लिए परिषद की बैठक में निर्णय लेने का निर्देश प्रोजेक्ट डायरेक्टर ललित सोरेन ने दिया। मुख्य मांगे पूरी हो जाने पर नाराज पार्षदों ने आंदोलन वापस ले लिया है। जबरजन विरोध, विधायक प्रतिनिधि राजगांवपुर म्युनिसिपैलिटी। सर, ये पार्षद तीन दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके विषय कुछ बताना चाहेंगे आप? 3 दिन से पार्षद लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, टेंडर ठीक टाइप से नहीं हुआ है, बिना रेजोल्यूशन का टेंडर हुआ है। विधायक महोदय, देखें कि राजगांवपुर म्युनिसिपैलिटी में पार्षद लोग बैठे हैं धरना में, वो इमीडिएट उन लोगों से बात किए, उन लोगों को लेकर कलेक्टर के पास गए, कलेक्टर भी उनका बात को सुने, विधायक का बात को, और इमीडिएट पीडी टूडा जो ललित सोरेन जी हैं उनको राजगांवपुर म्युनिसिपैलिटी को भेजें। मैं यहाँ प्रेजेंट भी था, जो इलीगल हुआ था उसको पीडी टूडा ने कैंसिल किए और जितना पार्षद थे सब धरना से उठे। क्या कैंसिल हुआ सर? वो उनका टेंडर कैंसिल करने का डिमांड था उनका, उन लोगों का डिमांड था कि टेंडर को कैंसिल किया जाए। विकास को लोग विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरीका से टेंडर हुआ था उसको कैंसिल किए और पीडी टूटा उसको कैंसिल किए। 4.90 करोड़ का जो टेंडर हुआ था उसको कैंसिल करके किए और एक बार रेजोल्यूशन करके वही काम को फिर से वही वार्ड में करने के लिए 7 तारीख तक टाइम दिया। और 1.5 करोड़ का टेंडर उसका विषय में चेयरमैन मैडम इमरजेंसी मीटिंग बुलाएंगे। वो पहले से रेजोल्यूशन हुआ था, सब पार्षद लोग पास किए थे, उसी को कायम रखें। इमरजेंसी मीटिंग बुला के वहाँ पर काउंसलर लोग का जो डिमांड है वो लोग बोलेंगे, अगर वहाँ पर पास हुआ तो उसको करेंगे, नहीं तो उसको भी कैंसिल करेंगे। आज जो हम लोग लास्ट 3 दिन से जो हम लोग अपना म्युनिसिपैलिटी के पास में जो धरना करके बैठे थे, हमारा मेन दो ही मुद्दा था कि जो भी काम हमारा जो विदाउट रेजोल्यूशन हुआ है उसको रेजोल्यूशन में ला, पहले कैंसिल करके रेजोल्यूशन में लाया जाए, उसको फिर से रिटेंडर किया जाए। आज कलेक्टर महोदय ने पीडी सर को यहाँ पे भेजा था और सबके सर्वसम्मति से पीडी सर ने यही डिसीजन लिया कि ये जो 22 तारीख को जो टेंडर निकला था वो कैंसिल होगा और जो जो काम निकला है वो, और जिस जिस वार्ड के साथ में अनियमितता बरता गया है, जिसमें 0 काम निकला है, उसको और बढ़ा के भी आदमी काम दिया जा सकता है, उसका टाइम डेडलाइन दिए इन्होंने 7 तारीख को, फिर से वही काम सब रिटेंडर होकर फिर से दोबारा निकलेगा। और एक काम था जो 1.49 का, उसके लिए 2 तारीख तक का समय निर्धारित किया गया है कि क्योंकि अभी चेयरमैन का तबीयत खराब है, चेयरमैन साहब जब आ जाएंगी तब उस दिन हम लोग बैठ कर डिसाइड करेंगे कि उसको कैंसिल करके फिर रिटेंडर करना है या फिर इसको कंटिन्यू रखना है। फिलहाल एक टेंडर कैंसिल हुआ ना? अभी फिलहाल के लिए एक टेंडर कैंसिल हुआ, सेकेंड वाला अभी जो टेंडर कैंसिल नहीं हो रहा है, इसको कैंसिल करके रिजोल्यूशन करके फिर से रिटेंडरिंग होगा और इसमें काम सब ऐड भी हो सकते हैं। अमाउंट कितना का है ये? ये 4.90 का। एक तो टेंडर कैंसिल हुआ है और उसका रेजोल्यूशन में अच्छा से नहीं लिखा हुआ था, उसलिए इसको कैंसिल किया गया है। कितना का टेंडर था जो कैंसिल? 4 करोड़ का कैंसिल हुआ। और एक तो 1.5 करोड़ का है उसका टेंडर हुआ था, उस कंपनी ने हुआ है, उसको वही काउंसिल में डिसीड कर रही थी टेंडर करेंगे या उसको ओपन करेंगे। For more updates, subscribe to our YouTube channel, nationupdate.in.